के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार की सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके जिम्मेदार राजद है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए मांझी ने कहा है कि जेल में बंद अपने नेताओं को वो समझा दें तो सूबे में 80% से ज्यादा आपराधिक घटनाएं कम हो जाएंगी। इस बयान के आते ही राजनीतिक प्रतिक्रिया में दौर प्रतिरोध का माहौल बन गया। मांझी को जेडीयू भाजपा का भरपूर समर्थन मिला, वहीं राजद इस मामले में अलग थलग दिख रही है। राजद ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग कर दी है। वहीं जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है, यह तो सच है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंगल राज है। इस पूरे प्रकरण में राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, अपराध इन्हें संभाल में नहीं आ रहा। नीतीश कुमार की सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, सत्तारूढ़ दल सभी काम तेजस्वी यादव से कराना चाहती है। किसान हो, युवा हो, रोजगार हो, सब कुछ तेजस्वी यादव देखेंगे तो नीतीश कुमार सरकार में क्यों है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।